देश में कोरोना एक बार फिर से दस्तक देने लगा है, जिसके बाद केंद्र सरकार की ओर से उच्च स्तरीय बैठक भी की गई है। अगर हम बात जिला पठानकोट की करें तो अभी तक कोई भी ऐसा केस कोविड पॉजिटिव नहीं पाया गया, परंतु अगर बच्चा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभय गर्ग की माने तो उनका कहना है कि अभी तक उनके पास जितने भी बच्चे आ रहे हैं उनमें से कुछ बच्चों में उन्हें कोरोना जैसे ही लक्षण देखने को मिल रहे हैं, परंतु इसमें ये स्पष्ट नहीं किया जा सकता कि वह कोरोना ही है। उन्होंने फिर भी लोगों से छोटे बच्चों का खास ध्यान रखने की अपील की और सरकार की ओर से जारी की गई हिदायतों का पालन करने की भी अपील की है। आइए सुनते हैं और क्या कुछ कहा है डॉक्टर अभय गर्ग ने। हाले मतलब ऐसा सिम्टम्स आ रहे हैं, बट हाले तक कोई कोविड वाला बच्चा ऐसा कोई अड्डे सामने आया नहीं है, पर टेस्ट करवा रहे हैं, बट ता भी ये अपना सारे नू सब प्रिकॉशंस लेके ही चलना चाहिए है, क्योंकि होर स्टेटा दे विच कोविड वध रहा है, कोई पता नहीं होंदा कदों इधर आ जाए की है नहीं है, बट हाले तक इत्थे पठानकोट दे विच ठीक हैगा, पर सारे ने प्रिकॉशनज लेने हैं, जिदा हाथ सब जिदा पहले हाथ धोंदे सी, थोड़ा जिहा डिस्टेंस मेनटेन करके रखो, मास्क पा के रखो, हाथ बार बार धोवो, ये सब प्रिकॉशन जरूर लैके रखो, क्योंकि बहुत पेशेंट सर्दी खांसी वाले तो आ ही रहे हैं। डॉक्टर साहब बच्चों के यही सर्दी खांसी बुखार है बहुत, मतलब 70-80% ओपीडी इस चीज़ की है, सर्दी खांसी बुखार की ही ओपीडी आ रही है। अज भी हूँ मतलब 4 पेशेंट एडमिट कर चुके हैं ही सर्दी खांसी के कारण ही, और दूसरी चीज़ हूँ फिर तो शुरू हो रही है लूज मोशन शुरू हो रहे हैं, बच्चों को लूज मोशन बहुत हो रहे हैं, तो थोड़ा जहा मतलब आगाह करने की लोड़ है कि जिहड़े बच्चों लूज मोशन हो रहे हैं उन्होंने पहले ही आके डॉक्टर को दिखाओ, क्योंकि ये पानी की घाट होंगी दिक्कत होंगी है, सब तो मेन चीज़ देखनी है कि बच्चा जो दवाई लैन तो बाद भी जो बच्चा जो सुसु कर रहा है या नहीं कर रहा, अगर नहीं कर रहा तो बहुत उन्होंने एक एमरजेंसी मान के जल्द तो जल्द डॉक्टर को आके दिखाया।